आप सभी का सूर्य क्लासेज में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति हम लोग देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्द है त्रिकोण और दूसरा है मिति। त्रिकोण का मतलब तीन कोण वाला है, तीन कोण वाला। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मापन, मतलब तीन कोण का मापन। ठीक है, तो इसमें हम लोग त्रिकोणमिति में जाने में जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का मापन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो त्रिकोणमिति होता है वो अप्लीकेबल होता है समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन बोला कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब इसमें समकोण त्रिभुज ध्यान देंगे, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जो ये वाला लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, या ये वाला लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ये सिंबल होता है 90 डिग्री के एंगल का। और जो एंगल बी है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण। और ये जो त्रिभुज है इसको बोलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो एंगल बी है इसको बोलेंगे समकोण, और जो ये त्रिभुज है इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, इसमें हमको तीन चीज जानने रहता है। पहला क्या है कि पहला हम लोग जानते हैं लंब, उसके बाद आधार और उसके बाद कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, ये किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, ये जो समकोण है, ठीक है, ये समकोण है, और इस समकोण के सामने की जो भुजा होती है, समकोण के सामने की भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब ध्यान देंगे, अगर इसमें इस एंगल के बाद दो एंगल और बचा, एंगल ए और एंगल सी, अब इसमें जो ये लंब और आधार है वो बदलता रहता है। इसका क्या मतलब बदलने का? अगर हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे, इस एंगल के बारे में, तो ध्यान देंगे हम इस एंगल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे इसके सामने की जो भुजा है इसको बोलेंगे लंब, और ये हो जाएगा लंब, और जो बाकी भुजा बचेगी उसको बोलेंगे हम लोग आधार। और अगर मान ले हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, कोण सी के, तो कोण सी के सामने की जो भुजा है ये हो जाएगा लंब, और ये वाला जो भुजा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, तो कर्ण फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण। अगर ये एंगल लेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, अगर ये एंगल लेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण त्रिभुज में हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है, वो है पाइथागोरस का प्रमेय।
तो आइए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में अपना एक प्रमेय दिया था। आइए उसको हम लोग जानते हैं। जैसे मान लेंगे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये अगर मान लेंगे ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है, समकोण है। अब देखेंगे अगर ये राइट एंगल मतलब अगर ये समकोण है तो इसके सामने की जो ये भुजा होगी, ये साइड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्व, ठीक है। मान लेते हैं ये जो नीचे वाला साइड है ये आधार है और ये जो इसके परपेंडिकुलर, इस आधार की ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे लंब। अभी हम पीछे ये देखते हैं कि एंगल के आधार पे ये दोनों चेंज, अगर एंगल इसको हम कंसीडर करेंगे इस एंगल के बारे में तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड है भुजा है वो हो जाएगा लंब, और 90 के सामने की भुजा जो होगी वो कर्व, बाकी जो दोनों के बाद बचेगा वो हो जाएगा आधार, ठीक है। तो ध्यान देंगे तो ये मान लेते हैं अगर कर्ण को हम लोग, इसको हम लोग हाइपोटेनस एच कहते हैं, आधार को हम लोग बेस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय था उन्होंने ये बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो इक्वल होता है लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से जो लंब का वर्ग होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है, ठीक है। इससे हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और इसमें हम लोग त्रिकोणमिति जब अनुपात देखेंगे उसके उसमें इसका यूज होगा। अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो अब हेडिंग हमारा है त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए। इसमें ध्यान याद रखेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला साइन, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं साइन, दूसरा इसको पढ़ते हैं साइन, इसको पढ़ते हैं कॉस, और तीसरा होता है टैन। अब बस इसी का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट याद रखेंगे कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट कॉस, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें एंगल, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ये बी सी, अगर ये 90 डिग्री है, अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, अगर ये इस एंगल के बारे में बात करें थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नीचे वाला हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये थीटा है तो यहाँ एंगल, किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इस, और ये एंगल है कितना, थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इसके आधार पर हमने ये लिखा। अब देखेंगे साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। यहां लंब क्या है, तो P
बटा हो जाएगा एच, कर्ण है एच, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और इसका मतलब क्या है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरा कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार को हम देखेंगे आप बी से रिप्रेजेंट किया, तो ये हो जाएगा बी बाई एच। इसके बाद ये क्या होता है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो पी से, और आधार को बी से, तो ये हो जाएगा पी बाई बी। तो यहां देखेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण पी बाई एच, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण बी बाई एच, और टेन थीटा लंब बटा आधार पी बाई एच। ये तीनों समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, अभी बताया है कि इसका जस्ट अपोजिट ये, अपोजिट का मतलब उल्टा, और उल्टा इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी ये भी उल्टेगा, तो एच बाई क्या हो जाएगा पी। सेक थीटा तो इसका अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है एच, आधार क्या है बी, एच बाई बी। और लास्ट हमारा क्या है कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा टैन का, इसको पढ़ते हैं साइन, इसको पढ़ते हैं कॉस, इसको टैन, साइन इसको कॉस इसको टैन, ठीक है, इसको कोसेक। याद करने के लिए लिख रहा है, केवल इसको याद करना पढ़ने के लिए, साइन थीटा इसको, ये है थीटा, थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा, तो इसका टैन थीटा का, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये एक मिनट इसको देख लेंगे, ये है कोसेक, ये है सेक थीटा, और ये है कॉट थीटा। ये पढ़ने के लिए लिखा जा रहा है। अब देखेंगे इसका उल्टा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आधार और बाई लंब, आधार बटा लंब, आधार को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लंब को बी, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण पी बाई एच, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण बी बाई एच, टैन थीटा लंब बटा आधार पी बाई बी, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब एच बाई पी, ठीक है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार एच बाई बी, कॉस थीटा आधार बटा लंब बी बाई बी, ठीक है। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा और इस त्रिकोणमितीय थ्योरम का। तो इसमें सबसे पहले हम आप एग्जांपल देखते हैं कि इसका यूज कहाँ है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि कैसे इसका यूज है और कहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। नोट करें, आइए हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल बी सी, ध्यान देंगे, तथा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात जी, ठीक है। इसमें पहला मान हम लोगों को निकालना है साइन ए, और दूसरा मान हम लोगों को पूछ रहा है कॉस ए, ठीक है, साइन ए और कॉस ए का मान हम लोगों को निकाल के बताना है कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यह
यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। पहले जो त्रिभुज दिया है उसको हम लोग बनाएंगे, हल देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे एबीसी। लेकिन पहले ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ये क्या है, तो ये बोला एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल है, समकोण है, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये हो गया ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, चाहे तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, क्योंकि बी हमारा समकोण होना चाहिए, ठीक है। ये चीज अब इसके बाद ध्यान देंगे, बोला है ए बी बराबर बी सी, जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, यानी ये दोनों साइड मान लें अगर ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स, तो ए बी बराबर क्या दे दिया है बी सी। अब ध्यान देंगे हम हमसे क्या पूछा है साइन ए और दूसरा क्या पूछा है कॉस ए, ठीक है। तो ध्यान देंगे अगर साइन ए, साइन ए इस एंगल के बारे में बात कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये 90 के सामने क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। ये अगर इसको एक्स मान ले, इसको भी एक्स मान ले, ठीक है। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइन ए, तो देखेंगे यहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान समझेंगे, आधार दे दिया है, लंब दे दिया कर्ण, इसको हमने मान लिया x, मान लेंगे यहाँ पे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे, क्या दिया है, दिया क्या दिया है, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी इक्वल क्या दिया है बी सी, जिसको हमने मान लिया एक्स। हमको क्या ज्ञात करना है, परीक्षा में ये सिक्वेंस से ही लिखे हुए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो साइन ए पहला और दूसरा क्या फाइंड करना है साइन सॉरी कॉस ए। कितना समझ में आ रहा है, पहले ये त्रिभुज बना लिए, उसमें बोला है कि एंगल बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो कर्ण डिसाइड कर लिए, एंगल ए के बारे में बात करना है तो एंगल ए के सामने लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। इसके बाद जो दिया है हमने लिख लिया, क्या ज्ञात करना है ये भी लिख लिया। अब हम लोग इसको सोल्यूशन करने चलते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों तो हमने मान लिया है, ये क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस बोलते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की योगफल के बराबर होगा, योगफल के क्या होगा बराबर, यही नहीं मालूम है कर्ण हमको नहीं मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम, लंब बोला है x तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और आधार बोला है x तो ये भी क्या हो जाएगा x का, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, एच का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में 2x स्क्वायर, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 x x, और हम लोग जानते हैं रूट पे एक पेयर पे एक बाहर आता है, मतलब अगर इन दोनों का पेयर है तो इसमें से एक x बाहर आ जाएगा, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा x और रूट में क्या 2, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम लोग को क्या मिला, तो हम लोग को मिल गया लंब मिल गया, यानी P मिल गया हम लोग को कितना x, B हम लोग भी माने हैं x, और x हम लोग को कितना मिल गया x रूट 2, ये तीन चीज। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन ए और पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे साइन ए, साइन ए क्या मतलब साइन क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में भी पढ़ाए हैं, तो लंब बटा कर्ण, और लंब को हम लोग P से और कर्ण को किस से एच से रिप्रेजेंट करते हैं, पी कितना है एक्स और एच कितना है एक्स रूट टू, एक्स एक्स कटेगा वन टाइम में तो ये बचेगा 1/√2, ठीक है। दूसरा कॉस ए,
ये क्या होता है आधार बटा कर्ण, फार्मूला मालूम है आधार बटा कर्ण, ये क्या होता है तो b बाई एच, इसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको h से, बेस कितना तो x है और ये हाइपोटेनस तो x रूट थ्री, इससे ये कट गया, वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन, तो इसको नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टू। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यहाँ भी बी को बोला है समकोण है, और क्या बोला है ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, पहला है टैन ए और दूसरा है सेक, पहले क्या दिया है क्वेश्चन में उसको इंडिकेट करके और लिख लेंगे, तो लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे हल दिया है क्या, तो जो कोण बी है वो समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ए बी, ए बी बोला है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का है और ए सी जो है वो है 10 सेंटीमीटर, इतना तीन चीज दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आधा, ज्ञात करना है पहला टैन ए की वैल्यू और दूसरा सेक ए की वैल्यू, तो जितना दिया है और जो हमको ज्ञात करना है ये मिल जाएंगे। अब आएंगे त्रिभुज बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज बनाएंगे, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें बोला क्या है कि जो बी है वो समकोण है, ये इसको मान लीजिए कि ये हो जाएगा समकोण, ठीक है, अब किसी को या तो इसको ये मान लें इसको सी मान लें, तो अगर हम इसको ये मानते हैं तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए दोनों एंगल ए के बारे में बात किया है, तो अगर ये एंगल ए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब, 90 के सामने का क्या हो जाएगा कर्ण, और जो बाकी ये बचा नीचे वाला वो हो जाएगा आधार, और हम लोग इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से और इसको बी से, ठीक है, अब वो क्या बोला है, बोला है ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये जो ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए सी, ये जो ए सी है वो 10 सेंटीमीटर है, हमको लंब नहीं है, ठीक है, फिर हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय को, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का माने कर्ण, कर्ण का ही वर्ग इक्वल पी माने लंब, लंब का स्क्वायर प्लस बी माने बेस का माने आधार, अब देखेंगे वैल्यू किसका है, तो एच का वैल्यू है 10, यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर, पी नहीं मालूम यही निकालना है, बी बी मालूम है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 का, ठीक है, अब यहाँ 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 × 10 यानी 100 इक्वल पी स्क्वायर और 6 का स्क्वायर माने क्या हो जाएगा 36, इसको ट्रांसफर करेंगे ये हो जाएगा 100 − 36 इक्वल पी स्क्वायर, 100 में से 36 निकलेगा तो कितना बचेगा 64 इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर, यानी पी यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा 64, इसको फैक्टराइज करेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू, देखेंगे 2 × 2 = 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, अब बताएं पीछे वीडियो में कि कितने पेयर लगाते हैं, अगर एक पेयर होता है, ठीक है, एक पेयर पे एक नंबर, यानी यहाँ एक पेयर है तो यहाँ से एक टू निकलेगा, यहाँ भी एक जोड़ा है यहाँ से एक टू निकलेगा, यहाँ से भी एक पेयर है यहाँ से टू निकलेगा, समझ में आ रहा, तो ये हो जाएगा पी, यानी पी हो जाएगा 2 × 4 × 8 सेंटीमीटर, यानी हमको क्या मिल गया, हमको पी की वैल्यू मिल गई 8 सेंटीमीटर, बी मिल गया है 6 सेंटीमीटर और एच कितना दिया है, एच दिया है 10 सेंटीमीटर, ये तीनों चीज
हम लोग फाइंड कर लिए। अब जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है उस पर आ जाता है। तो पहला वैल्यू क्या है, टैन ए। इस टैन ए को फाइंड करेंगे तो देखेंगे पहला टैन ए, टैन के लिए क्या होता है अनुपात, तो टैन के लिए अनुपात होता है लंब बटा आधार। लंब का मान पी परपेंडिकुलर, आधार का मान पी। पी हमारे पास कितना है देखेंगे, पी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर बाई बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 4 या 2 3 है, ये हो जाएगा 4/3। ये दोनों नंबर एक ही अंक से कटना चाहिए, ये नहीं कि इसको 2 से काट दिए इसको किसी और से काट दिए, इसको 2 से काट दिए इसको 3 से काट दिए, ऐसा नहीं। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से ही कटना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/3। और दूसरा हमारे पास है सेक ए। अब ध्यान देंगे ये सेक किसका उल्टा होता है, काफ का। तो कॉस क्या होता है, तो कॉस ए या थीटा होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसी का उल्टा ये होता है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, और आधार को बी से। तो एच कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बाई आधार कितना है, तो आधार देखेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये भी 2 से कटेगा 3, ये 2 से कटेगा 5, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो ये रहा क्वेश्चन और इसका समझ, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। यदि tan a इक्वल 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको समझेंगे। हल देखेंगे इसका, क्या दिया है, दिया है क्या, तो tan a इक्वल दिया है 4/3। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो बोला इसके अलावा जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसको ज्ञात कीजिए। तो इसके अलावा क्या होगा, तो साइन ए हो जाएगा, ए कोण का, कोण ए के लिए बोला गया है, ए के लिए साइन ए, उसके बाद क्या कॉस ए, उसके बाद क्या टैन ए दिया ही है, तो कोस ए के, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कॉस ए, ये पांचों फाइंड करना ज्ञात। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ जो दिया है उससे हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो दिया क्या है, tan a इक्वल 4/3। tan के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो होता है इसका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसको दिया 4/3। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, इक्वल 4/3 क्या हो जाएगा 3। p मालूम है 4, b मालूम है 3, h नहीं मालूम, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। जब संकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम है, तीसरी नहीं मालूम होती है, तो सीधे हम लोग क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, तो एच का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी बेस का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, जो वैल्यू दिया है आप पुट करेंगे, एच यही नहीं मालूम है, टी परपेंडिकुलर मालूम है, कितना दिया 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बेस आधार, आधार कितना दिया पी, तो इसको पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर और 9, एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25, यानी एच इक्वल हो जाएगा √25, और √25 की वैल्यू कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे एच इक्वल कितना
5। अब हमको क्या मिला, तो P मिल गया, P मिला है मतलब P दिया है 4 सेंटीमीटर यानी 4, ठीक है। यहाँ मेजरमेंट नहीं दिया, B तो 3 और H तो 5। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसके चलते हैं। तो साइन कॉस कोसेक सेक और कॉस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन, तो पहला हो जाएगा साइन ए, और साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी कितना है तो 4, एच कितना है 5, पी हो जाएगा 4/5, ठीक है। दूसरा कॉस ए, कॉस क्या होता है तो आधार बटा कर्ण, यहाँ लिखेंगे पालूगा आधार बटा कर्ण, आधार बी बटा एच, बी कितना है तो 3 और एच कितना है तो 5, 3/5। तीसरा कोसेक, तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, तो कोसेक ए, कोसेक बताए थे कि साइन का ही उल्टा, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण तो एच से लंब को पी से, एच के किसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। उसके बाद चौथा सेक ए, सेक कॉस का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है मतलब कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, आधार को रिप्रेजेंट करते हैं किससे तो बी से, ये हो जाएगा इसी का उल्टा 5/3। उसके बाद लास्ट हमको निकालना है कॉट ए, ये होता है देखेंगे यहाँ कॉट, लंब बटा आधार टेन होता है, इसी का उल्टा आधार बटा लंब, आधार को बी से लंब को पी से, बी कितना है तो बी यहाँ देखेंगे 3 है और पी कितना है तो 4, तो ये सब रिजल्ट हो गए, अन्य 5 त्रिकोणमितीय होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में, यह आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन।